वेलकम टू बेबीज जंक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम है यशोदा वर्मा और मेरी 2 ईयर्स 4 मंथ्स की डॉटर है जिसका नाम है इवानका, जिसको आप सभी अनिका के नाम से जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ईजी और सिंपल है। एक्चुअली ऑटम वेदर आ चुका है, ऑटम मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है। तो क्या है कि मुझको चाहिए था कि कुछ ऐसे कपड़े जो कि अनिका की स्किन को भी सूट करें, उसको किसी टाइप के रैशेज या ईचिंग ना हो, दूसरा उसको पहनने पर भी काफ़ी कम्फर्ट हो, प्लस थोड़ा सा हल्की फुल्की ठंड से भी बचाए। तो मैंने उसके लिए की है कुछ थोड़ी सी ऑटम और यू कैन से दैट लाइट विंटर शॉपिंग। सो मैं ये शॉपिंग हॉल आपके साथ मतलब शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको इसको देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप आउट। ओके, सो पहले हम ले लेते हैं पैंट्स की बात कर लेते हैं। तो पैंट्स में मैंने अनिका के लिए जितने भी पैंट्स लिए हैं अभी तक वो बहुत ही सिंपल हैं, मतलब आप उनको सर्दियों में गर्मियों में कभी भी कैरी कर सकते हो। तो पैंट्स के मुझे उसको पजामा पहनाना बहुत पसंद है, बहुत ही सिंपल और लूज़ पजामा। तो इसमें ही एक ये पजामा है, ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंजिश कलर में है जिस पे ये एलिफेंट बना हुआ है छोटा सा। एक्चुअली अब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो उसके लिए पजामास नए लेने थे। बाकी हमने कुछ दिन पहले उसके समर पजामास लिए थे, तो अब ये थोड़े से विंटर्स और ऑटम्स में अच्छे से चलेंगे। दिस इज़ अ ऑरेंज पजामा, दिस इज़ अ वेरी नाइस लुकिंग पजामा, किसी भी टाइप की टी शर्ट के साथ ही अच्छा लगेगा घर में रात को सोते टाइम और कहीं बाहर घूमने जाओ कैजुअल्स में, तो ये काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए रहेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इसे बॉयज़ भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सेम काइंड ऑफ पजामा बट दिस इज़ इन पैरट ग्रीन। एक्चुअली पैरट ग्रीन कलर का उसके पास कुछ नहीं था, इस पर एक छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है। दिस इज़ अ वेरी नाइस पजामा। एक्चुअली ये मैंने अनिका के छोटे भैया के लिए भी सेम ऐसा ही पजामा लिया है उसके साइज़ में, आई होप उसको फिट बैठे। तो ये सिंपल सा इस पर एलिफेंट बना हुआ है और ये पैरट ग्रीन कलर का पजामा है। ये किसी भी वाइट टी शर्ट के साथ या फिर ब्लू टी शर्ट के साथ या फिर येलो टी शर्ट के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा, बच्चों के हिसाब से ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिया है। सिमिलरली मैंने उसी फैब्रिक में सेम क्वालिटी में ये लिया है एक ब्लू पजामा। ठीक है, ये ब्लू पजामा एक्चुअली अनिका के पास ऐसा कलर भी नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ब्राइट ब्लू उसके लिए लिया। इस पर भी छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है जो कि वो अपने किसी भी विंटर वेयर के साथ या फिर किसी भी टी शर्ट के साथ या जिपर्स के साथ हुडीज़ के साथ ही पहन सकती है। ठीक है, तो ये उसके कुछ तीन पजामाज हैं। अब आती हूँ मैं कुछ टी शर्ट्स पे। एक्चुअली उसके पास ऑलरेडी एक ऐसी टी शर्ट है बट वो डिफरेंट कलर में है, लेकिन मुझे ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये एक्चुअली स्टार्स वाली है, रिवर्सिबल स्टार्स वाली टी शर्ट है जो आजकल बच्चों के लिए बहुत चली है। थोड़ा सा ये वॉर्म भी है, मतलब इसे सर्दियों में आप बच्चों को पहना सकते हो, काफ़ी अच्छा है। फुल स्लीव्स का टी शर्ट है, ये डिज्नी का कलेक्शन है। सो डिज्नी का कलेक्शन और डिज्नी की टी शर्ट्स गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई विद योर किड्स ऑल्सो। एक्चुअली आपकी बेबी गर्ल है देन डिज्नी में आपको बहुत सारे कलेक्शंस अच्छे मिलेंगे इस टाइम पे। सो यू कैन गेट इट फ्रॉम एवरी बी और यू कैन गेट इट फ्रॉम लाइफ स्टाइल। डिज्नी ब्रांड बहुत जगह अवेलेबल है, आप ले सकते हो। फर्स्ट क्राई में भी शायद अवेलेबल है ही, मैंने देखा नहीं है लेकिन वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, और फर्स्ट क्राई का अपना भी जो खुद का ब्रांड है उसमें भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, बट मैंने प्रीफर ये किया था, मैंने ये एफबीबी से ले लिया। नेक्स्ट यही ये सिमिलर जो है ये भी डिज्नी का ही कलेक्शन है। सो ये जो है ये रेड कलर की टी शर्ट है, ये बहुत ही ब्राइट रेड कलर है जो कि ऐसा कलर अनिका ने नहीं पहना। प्लस इस पर बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है, ये कुछ किंग एंड क्वीन पैटर्न बना हुआ है, उसको बहुत पसंद आया था, उसने खुद सिलेक्ट किया ये टी शर्ट, तो ये मैंने उसके लिए लिया। ये भी थोड़ी सी वॉर्म है, आप इसको विंटर्स में कैरी ऑन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। प्लस आप इसको मार्च तक आप बच्चों को इस टाइप की टी शर्ट पहना सकते हो, काफ़ी अच्छा। एक अंदर वार्मर डाल दो, बॉडी वार्मर, ऊपर से टी शर्ट डाल दो, बट दैट्स इट, हल्की सर्दियों में बहुत अच्छा है। फिर मुझे क्या था कि उसके पास एक भी हुडी नहीं थी, तो मैंने उसके लिए खरीदी दो हुडी। एक्चुअली हुडीज़ मैंने तीन खरीदी थी, तो एक उसके छोटे भैया के लिए खरीदी थी और एक इसके उसके लिए ली। तो ये उसकी एक सिंपल सी हुडी है, जिपर, ठीक है, इसमें एक हुड है और ये जिपर है। तो उसके पास ऐसा नहीं था जिससे कि मैं उसे सिंपल टी शर्ट्स के ऊपर हल्की बहुत ही लाइट सर्दियों में उसको एक थोड़ी सी हुडी डाल दूँ। ये थोड़ी सी मैंने ओवर साइज लिया क्योंकि उस बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, सो नेक्स्ट ईयर भी मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ। लाइक इसी ही पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने एक डिफरेंट कलर में ये एक और हुडी ली, दिस इज़ अ ब्लू ब्राइट कलर, इसमें येलो का कॉम्बिनेशन है, इस पर छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए हैं, लाइक कार्ड बनी हुई है, हॉर्स कार्ड और ये, तो बच्चों को ये काफ़ी पसंद आता है, यूनिकॉर्न बना हुआ है, तो गर्ल्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो मैंने उसके लिए ये लिया। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया, तो मैंने उसके लिए ये ले लिया। तो टू हुडीज़ अभी मैंने लिए हैं, बाकी हम देखते हैं उसकी विंटर शॉपिंग कहाँ तक कैरी ऑन होती है। बाकी अब आ रहा है फेस्टिव सीजन लाइक दिवाली और यू नो छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, तो ये मैंने उसके लिए एक ड्रेस मंगाई थी अमेज़ॉन से, उसके डैडी ने पसंद करके मंगाई थी एक्चुअली।
तो ये उसके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैं आपको पहना के दिखाऊंगी जब जब भी वो ये ड्रेस पहनेगी छोटी दिवाली पे या बड़ी दिवाली पे। आई थिंक बड़ी दिवाली पे हम कुछ और पहनाएंगे, छोटी दिवाली पे उसको पहना सकते हैं। तो ये ड्रेस सिंपल सी फ्रॉक है, ग्रे कलर की फ्रॉक, इस पर बहुत ही प्रिटी पिंक कलर के रोजेज़ हैं एंड ग्रे कलर के रोजेज़ का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छी फ्रॉक है, आप बच्चों के साथ ये कैरी कर सकते हो। आजकल ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं, फ्लावर पैटर्न ऑन द नेट, तो ये बच्चों के साथ आप कैरी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन पैटर्न है। तो इसी के साथ अनिका की शॉपिंग ख़त्म। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इस बार उसकी शॉपिंग की, और देखते हैं अभी उसके जो ज़्यादा विंटर्स की शॉपिंग है उसमें क्या करते हैं। वैसे हम पहले ही ले लेते हैं कुछ विंटर्स की चीज़ें, लेकिन इस बार नहीं ली, इस बार हम विंटर्स में ही उसकी विंटर्स की चीज़ें लेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।